तो दोस्तों आज हम लेने जा रहे हैं अपने एक्वेरियम के लिए प्लेको फिश। आप लोगों के पिछले वाले व्लॉग में काफी ज्यादा कमेंट आए थे जिसमें आपने कहा था भाई प्लेको फिश लेकर मत आओ क्योंकि वो बहुत ज्यादा समझ रहे हो ये तो टट्टी है, लेकिन हमें एक्वेरियम को मेंटेन भी रखना है तो इसका सॉल्यूशन मुझे ऑलमोस्ट मिल चुका है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में, टाइम है मार्केट जाने का। हम लोग आ चुके हैं लोकल पेट शॉप पर और यहाँ पर न्यू स्टॉक आया हुआ है फिशेस का। मैं सोच रहा हूँ एक दो ब्लैक मोर भी पैक करा लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जो खरीदना है वो तो है ये, मिल गया। बाकी हमारे पास सिंगल मॉली बची है तो यहाँ पर कुछ मॉलीज भी आई हुई है और ये तो मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कमेंट में बताओ इसका नाम क्या है। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हमने जल्दी से अपनी प्लेको को पैक कराना स्टार्ट कर दिया। जब तक हमारी फिश पैक हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ आपके मना करने के बाद भी क्यों प्लेको फिश खरीद रहा हूँ। यहाँ मेरे दोस्त को बिच्छू लूटने लगी है फिशेस पकड़ने की। मैंने एक्वेरियम के हिसाब से एक छोटी प्लेको फिश पैक कराई है। इस प्लेको को बड़ा होने में 2-3 साल भी लग सकते हैं और जब ये बड़ी हो जाएगी तो हम इसको बड़े एक्वेरियम में शिफ्ट कर देंगे। टेम्परेचर मेंटेन होने के लिए मैंने इसको एक्वेरियम में रख दिया है। नेक्स्ट व्लॉग में हम इसको रिलीज कर देंगे। गुड बाय।